हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस एक्सेल सीरीज। दोस्तों आज एमएस एक्सेल सीरीज का जो है सेवंथ क्लास डिस्कस करेंगे और इस क्लास में हम जानेंगे कि मेमो या बिल कैसे बनाया जाता है एक्सेल सीट में, उसको कैसे प्रिंट दिया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। एक्चुअली ईच एंड एवरी क्लास जो है हम आगे मूव करते हैं तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलता है, तो आप क्लास को मिस ना करें। अगर आप सिक्स्थ क्लास या फिफ्थ क्लास नहीं देखे हैं, आप नहीं सीखे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप सीख सकते हैं इन सभी क्लास को, राइट। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ आज डिस्कस करेंगे सेवंथ क्लास में। सिक्स्थ क्लास का जो है प्रिंट जब हम देते हैं एक्सेल सीट को, तो उसमें जो है एक पॉइंट जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रह गया था, उसको हम आज सॉर्ट आउट करेंगे, राइट। उसको फिर से देख लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और मैं डिस्कस करूँगा कि अगर आपने ई एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एवरीडे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एमएस एक्सेल सीरीज का एवरी क्लास आपको मिलता रहे, ताकि आप जो है किसी भी सेक्टर में जॉब करें आपको एक्सेल का नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों। तो प्लीज़ ई एजुकेशन चैनल पर एक्सेल सीरीज ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो एडवांस सीखेंगे, जिनको एडवांस आता है वो कॉर्पोरेट लेवल का सीखेंगे, लेकिन सभी के लिए जो है ये सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ज्वाइन करें और वीडियो को जो है शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने ऑलरेडी बिल बना के रखा हुआ है, है ना। जो भी आपका इंटरप्राइजेज है, जो भी कंपनी है, उसका आप नाम जो है वहाँ पे डाल के उसका बिल बना सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, तो इसको हम फिर से अभी कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेज लेआउट का देखेंगे दोस्तों, राइट। सपोज कीजिए, सबसे पहले हम अलग से इसको क्या करते हैं, है ना, इसमें हमें देखना है। लास्ट क्लास में जो है हमने इसमें जो है पहले इसको दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, कॉपी किया दूसरे पेज में इसको लेके जाते हैं दोस्तों, राइट। ये देखिए दूसरे पेज में आ गया, राइट ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको जो है इसमें हमें क्या देखना था, पेज लेआउट हम देख रहे थे। पेज लेआउट में हम यहाँ पेज सेटअप में जाके ये जो चार नेविगेशन है इसी पे पूरा जो है ब्रेकअप होता है, पूरा प्रिंट होता है, कैसे कस्टमाइज किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग होता है, जो कि हमने सारा कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए थे, एक ही पॉइंट एक्चुअली, ये देखिए डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन, तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था, एक्चुअली वो हुआ नहीं था जैसे होना चाहिए था, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये इसी को आज करना है, तो सबसे पहले इसको पेज, यहाँ पे देखिए एक ही पेज है अभी, इसका कोई ब्रेकअप नहीं है, तो पेज कैसे सबसे पहले इसको क्रिएट करना है एक्सेल में वो हम जानेंगे। व्यू में जाएंगे दोस्तों, है ना। ये देखिए मेनू है, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट में ये होता है, एंड उसके बाद व्यू में हम जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वो डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ पे देखिए पेज डिस्प्ले होने लगा, राइट। ये देखिए फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज, इसी तरह यहाँ पे पेज और भी बन जाएंगे। देखिए थर्ड फोर्थ हो गया, चार पेज बन गया, उसी तरह पाँच छः, तो ये पेज बन गया। तो पेज कैसे बना आप देखेंगे, आपने देखा अभी पेज कैसे बना। ये देखिए यहाँ पे आपको व्यू में जाना है एंड पेज लेआउट क्लिक करना है, तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे है कि ये कट रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पेज लेआउट में गए, प्रिंट में गए, पेज सेटअप खुलता है, तो पेज सेटअप में लैंडस्केप जो है इसको क्लिक करेंगे एंड प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। ये देखिए इस सारा का सारा आ गया, यहाँ पे छः सेक्शन थे, छः सेक्शन आ गए, राइट। तो ये देखिए आपका आ गया इसमें। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि एक ये जो है आपका रो कॉपी कैसे होगा हर एक पेज में सेम, या फिर ये जो आपका कॉलम है, ये जो आपका कॉलम है ये जो है एवरी सीट पे कैसे जाएगा, तो ये सारा कुछ हमने देखा है। एक बार अगर आप बोलोगे तो फिर से पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों इसमें,
सबसे पहले इसमें सीट में जाके डाउन देन ओवर, डाउन देन ओवर का क्या मतलब होता है हम यहाँ पे देखेंगे। डाउन देन ओवर तो मतलब इसके डाउन जितने भी पेजेज हैं, जैसे ये एक पेज है ना दोस्तों, इसके डाउन जितने भी पेजेज हैं वो पेज का प्रिंट देने के बाद फिर ये इधर राइट वाला जो है उसको पेज, उस पेज को कमांड मिलेगा प्रिंट कमांड में, राइट। तो उसको अब देख लेते हैं करके, राइट। ये देखिए एक पेज हो गया, ये दूसरा पेज है, इस पे यहाँ पे देते हैं कमांड टू, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमें पता चले कि हाँ हमने इसी को प्रिंट दिया। ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो पाया था पेज सही से। ये देखिए तीसरा हो गया, अब चौथा पेज पे हम यहाँ जाएंगे, चौथा पेज पे गए, अब पांचवें पेज पे जाएंगे, पांचवें पेज पे गए, ठीक है। अब छठे पेज पे चलते हैं, अब छठे पेज पे गए, ठीक है। ये देखिए छह पेज हमारे पास है, तो हमने अभी क्या सिलेक्ट किया, डाउन देन ओवर, है ना। डाउन देन ओवर मतलब यहाँ पहले तीन पेज इस रो में है, फिर तीन पेज उस रो में है, तो डाउन देन ओवर मतलब पहले ये इसका तीनों पेज डाउन तक करेगा, जितने पेज होंगे, जैसे तीन पेज हैं तो इसका यहाँ तीनों पेज होगा, एंड देन फिर देन ओवर, देन फिर जाके ये तीनों स्टार्ट होगा, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सीट पे गए एंड ये सारा कुछ हमने देख लिया इसमें, राइट। एंड इसमें देखिए आप जो है डाउन देन ओवर जाएंगे, प्रीव्यू में चलते हैं, देखिए होना चाहिए इसके बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे होना चाहिए। देखते हैं आया कि नहीं आया, ये देखिए दूसरा पेज आ गया सेकंड पे, फिर तीसरा आना चाहिए, ये देखिए तीसरा आ गया है, ये देखिए चौथा आ गया है, अब पाँचवा आएगा एंड छठा आएगा। तो छः पेज ही हमने क्रिएट किया था, तो छः के छः आ गए, डाउन देन ओवर ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके अब जो है ओवर देन डाउन, ओवर देन डाउन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओवर देन उनका पहले ये होगा फर्स्ट वाला एंड देन फिर ये होगा, ये वन फोर फिर टू फाइव ऐसे होगा, है ना, टू एंड फाइव, ये देखिए टू होगा फाइव होगा, फिर फाइव हो गया, फिर थ्री होगा, फिर सिक्स होगा, ये थ्री एंड सिक्स ऐसे होगा, राइट। ओवर देन डाउन, तो देख लेते हैं करके, सीट पे गए, यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, ये देखिए पहला पेज आ गया, अब क्या आना चाहिए, चौथा आना चाहिए, है ना, ओवर देन डाउन है, ये देखिए चार आ गया, फिर क्या आएगा, दो आएगा, दो आ गया, फिर क्या आएगा आपका, फाइव आना चाहिए, ये देखिए फाइव आ गया, फिर थ्री आना चाहिए, थ्री आ गया, फिर सिक्स आना चाहिए, आ गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब अगर आप काम कर रहे होते हो तो, ऐसे आपको जो है पूरा एक ही क्या होता है कि एक बड़ा सा आप रो, इतने सारे कॉलम पे काम कर रहे होते हो तो ऐसे करके आपको आधा ये हुआ आधा ये हुआ, तो एक कंटिन्यूसली पेज में, सपोज कीजिए ये दो पेज में निकलना यहाँ से यहाँ तक, अगर एक पेज में इतना आगे तो दूसरा पेज ये चाहिए, तो इसलिए आप अगर ओवर देन डाउन करेंगे तो फिर ये दोनों एक साथ आ जाएगा, फिर नीचे वाला एक साथ आ जाएगा, तो इस तरह जो आप काम करेंगे तो वो आपका इसमें काम होता है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, राइट। तो यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक आपने प्रिंट दे दिया, तो एक पेज में ये निकल गया, नेक्स्ट पेज में ये निकल गया, फिर जाके थर्ड पेज में ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ वाला ये, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट। तो ये चीज़ें हमने सीख ली, अब एक बार और रिमाइंड कर देते हैं, जैसे कि ये देखिए सबसे पहले अगर आपको ये कॉपी करना है हर एक जगह, है ना, हर एक पेज पे, हर एक ये जो है आपका रो पे, रो जो है कॉपी करना है, तो ये जो है नीचे वाले जितने भी हैं सीट पे, ये सीबीएसई बोर्ड आ जाएगा। वो कैसे आता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि मर्ज ना हो, ये देखिए मर्ज है, यहाँ पे भी मर्ज है, यहाँ पे भी मर्ज है, यहाँ पे भी मर्ज है, मर्ज ना हो, मर्ज को रिमूव करना है पहले, एंड देन फिर जाके यहाँ पे जाएंगे आप, और यहाँ पे मार्जिन में ये
सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए रो एंड रिपीट जिसको करना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड इसको आपने सेलेक्ट किया एंड देन फिर जाके यहाँ पे ये यह होगा नहीं बिकॉज ये मर्ज है राइट, उसके बाद आपको ओके कर देना है राइट। तो ये जो है जितने भी पेजेज हैं उस पर आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये देखिए आ गया है ना, ये देखिए आ गया है, जितने पेजेज होंगे उस पेजेज पे आ जाएंगे, ये देखिए आ गया ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है नॉलेजेबल है, अगर आपको ये पता हो तो आपका टाइम काफ़ी बचता है। उसी तरह ये देखिए हर एक, जैसे कि आपका मार्कशीट बनना है तो मार्कशीट के हर एक पेज पे आप टाइप करोगे सी बी एस ई बोर्ड। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो जो मैंने बताया यहाँ पे राइट सीट पे जाके, ये वाला फॉर्मूला रो में जाके, तो ये अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट के मार्कशीट बनने हैं सभी के मार्कशीट के ऊपर पे सीबीएसई बोर्ड सिर्फ एक क्लिक से हो जाता है राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आप रो को ख़त्म करते हैं, अगर आप कॉलम में, जैसे ये कॉलम में जितने सब्जेक्ट्स हैं, सपोज कीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट तो सबके सब कैंडिडेट के मार्कशीट में होगा, तो आपको सबको हर एक पेज पे फिर से लिखना है। तो इससे बेटर है कि आप एक पेज बनाइए, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाइए एंड देन फिर जाके आपका क्या होगा इसमें, ये देखिए नहीं लेगा क्योंकि इस पे जो है मर्ज लगा हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ कर लेते हैं, एक मिनट, तो उस पे क्या होगा, एक सीट बनाइए एंड देन फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए एंड फटाफट जो है आपका काम हो जाएगा है ना, तो सारे पेज पे चले जाएगा है ना। इस पे यही ध्यान रखना है कि आपका क्या हो, आपका जो है मर्ज ना हो। इस पे जैसे हम कमांड करेंगे पूरा कैप्चर कर लेता है, बट हमें ये चाहिए पार्टिकुलर, तो इस पे जो है आपका क्या होगा, इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं, थोड़ा सा हमें काम आ जाए ठीक है। तो ये देखिए इस पे अगर हमें लगाना है फॉर्मूला, पेज लेआउट में गए, इसमें गए एंड देन सीट में गए, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, अब हमें किया क्या करना है, ये वाला रो, तो ये वाला जैसे हमने ओके किया, ये देखिए जितने भी कॉलम, जितने भी पेज होंगे उसके कॉलम पे ये आ जाएंगे, ये देखिए आ गया आ गया। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ये देखिए ये भी आ गया, जितने पेज पे होंगे सारे पेज पे जो है ये कॉलम बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ सिंगल फॉर्मूला, एक पेज बनाइए और सारे पे आप जो है सिर्फ एक यहाँ पे सेटिंग करने से आपका ये हो जाएगा। तो राइट दोस्तों, तो हमने सीख लिया जो है पेज को कैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जो है ओवर देन जो है आपका डाउन एंड डाउन देन ओवर, ये वाला हमने सीख लिया है ना। डाउन देन ओवर, पहले डाउन जाएगा फिर ओवर जाएगा, उसके बाद ओवर देन डाउन, तो वो हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया, उसके बाद रो कॉलम को कॉपी करना सीख लिया एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें, ग्रीड, ब्लैक एंड वाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी एंड ये सब चीज़ें हमने सीख ली, हेडर फुटर्स सीख लिए, मार्जिन सीख लिए, पेजेस सीख लिए, सारा कुछ हमने सीख लिया इसमें राइट। अब जो है दोस्तों हम सीखेंगे बिल बनाना राइट। तो हमको बिल बनाना है, सपोज कीजिए इसी पे हम, इसी जगह पे हम बनाते हैं बिल ठीक है। ये हमने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, एक किसी भी कंपनी का, कोई भी आपका शॉप है उसका नाम डाला ऊपर पे एंड डेट, डेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डेट एंड सीरियल नंबर, नेम है ना, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स आपने लिए, नेम ऑफ द आइटम, क्या क्या सामान लिया आपने राइट। यहाँ पे आप जो है नहीं भी करेंगे तो आप जो है इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा मर्ज किया है हमने, बट यहाँ पे जो है आप सेल भी रख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम, जैसे यहाँ 1, 2, 3 तो उसी तरह। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमें, एक बड़ा सा यहाँ पे ले लिया हमने ठीक है, ये लिया। तो अब इसको क्या करना, सबसे पहले जितने बड़े एरिया में आपको जो है हेडिंग डालनी है या आपको लोगो लगाना है कंपनी का राइट, तो वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ से पहले आप मर्ज कीजिए, ये बन गया। उसके बाद आपको कुछ भी लिखना है राइट, कुछ भी लिखना है, यहाँ से आप जो है पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो राइट, यहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो राइट, यहाँ से जो भी पिक्चर है आप यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हो यहाँ पे राइट। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी, सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका कोई भी, कोई भी जो है, जैसे यहाँ पे लिखिए आप साई,
साई यहाँ पे लिखिए, सॉरी साई इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेस, साई इंटरप्राइजेस हो गया। अब जो है इसको इस पे यहाँ पे साइड में लोगो भी लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको डाउन करेंगे, इस पर क्लिक करते जाएंगे ये उसके अकॉर्डिंग होते रहेगा। अब देखिए इसका पहले नाम चेंज कर लेते हैं, कैप्स में कर लेते हैं इसको, राइट। अब देखिए ये आ गया साई इंटरप्राइजेस। अब जो है इसका जो है यहाँ से इसको पहले बैकग्राउंड बनाते हैं इसका, अच्छा सा आप जो भी लीजिए कलर ले लीजिए, ये देखिए ये एक बन गया, राइट। अगर ऐसा करना चाहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट इस पे देना चाहते हैं अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह का है ना, इसी तरह का दे दीजिए। यहाँ पे मैंने दूसरा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका जो है ना, इसको छोटा कर लेते हैं, अदरवाइज 36 का है, इसको 28 कर लिया, बन गया ये, राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है, डेट पहले डालना है, डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें डेट को हमने क्या किया, यहाँ पे एक पहले मर्ज किया इसको, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर किया, और इसमें हमने डेट लिखा, डेट, राइट, डेट डाल दिया। अब देखिए इसमें दो अंडरस्कोर का शिफ्ट एंड माइनस का जो है जहाँ पे साइन है उसको प्रेस करेंगे, है ना, दो लेके चलते हैं हम, क्योंकि दो और न्यूमेरिक वैल्यू होता है मंथ में। उसके बाद स्पेस देके एक ये दिए, एंड फिर सेम दो मंथ का होता है, स्पेस लिया फिर दिया, फिर जाके हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 क्योंकि ईयर का होता है, राइट। तो ये हमने डाल दिया, इसको जो है अब हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और इसका अगर साइज हम बढ़ाना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं, आ गया। एंड अब हमें थोड़ा इसको हाईलाइट कर देना चाहिए, ये देखिए, ओ ये इसको वाइट ही रहने देते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखिए रेड नहीं तो आप ब्लू भी करें, जो करना चाहें आपकी मर्जी, राइट, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, पहले इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद करते हैं, है ना, इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, यहाँ पे गया बॉर्डर्स में, ये देखिए ब्रैकेट में बंद हो गया, इसको भी ब्रैकेट लगाते हैं, राइट, इसको भी ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक और ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि डेट का तो अलग से हो गया ये, है ना, ये ब्रैकेट रेडी है, लेकिन ये मर्ज नहीं हुआ है, तो इसको भी मर्ज कर दें या ऐसे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखिए मर्ज हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरियल नंबर डालने हैं, है ना, नंबर कितने आपके प्रोडक्ट्स, सीरियल नंबर डाल दिया हमने, राइट, एंड सीरियल नंबर के बाद नेम ऑफ आइटम्स, है ना, कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, है ना, नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ द आइटम हो गया। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं इसके फॉन्ट साइज के हिसाब से, जो कि हमने कैसे बढ़ाते हैं क्या करते हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद इसमें रेट देख लेते हैं, रेट क्या है, पर कॉस्ट, रेट पर आइटम, ठीक है, पर आइटम, रेट पर आइटम भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड उसके बाद नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, ये भी हो गया, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अमाउंट डाल देते हैं, पहले इसको मर्ज करते हैं, ठीक है, यहाँ से मर्ज कर दिया हमने। अब अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस कर देते हैं, इसको आप पैसा में भी दो कॉलम में बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया रेडी। अब जो है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट जो है ऐसे नहीं, इसको जो है सेक्शन वाइज, सेल वाइज ब्रैकेट देना है, देखिए सेल वाइज ब्रैकेट बन गया। अब देखिए नंबर ऑफ जितना आप लेके चलते हैं, यहाँ तक कर लीजिए,
ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे जो है आप डाल दीजिए, नंबर ऑफ आइटम्स, और रेट पर आइटम कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, एंड जो है यहाँ पे अमाउंट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट देखिए, यहाँ पे आप डालिए, इधर जीरो डालिए, या फिर इसको आप मर्ज ही कर दीजिए, एक ही सेल बनाइए। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स इसको भी आप एक ही सेल बनाना चाहते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं आप उसके हिसाब से कर ले। यहाँ पे टोटल लिखिए, टोटल आ गया, वेरी इजी दोस्तों, वेरी इजी, राइट। अब इसको यहाँ पे आप जो है क्या कीजिए, ये कर दीजिए, अब इसको आप मर्ज कर दीजिए, या फिर यहाँ पे रहने दीजिए, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम, पर रेट कितना है, नंबर ऑफ, जैसे कि सपोज कीजिए वो हम आपको बताएंगे अभी, तो ये इसको आप मर्ज कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे और बना लीजिए, यहाँ से ये देखिए आपने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको क्या करेंगे, मर्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मर्ज, इसको आधा मर्ज कर लिया और इसको आधा मर्ज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये मर्ज नहीं हुआ, इसको ही मर्ज कर लेते हैं, मर्ज हो जाएगा तो अंदर में लाइन नहीं दिखेगा, हिडन लाइन, राइट। यहाँ पे देखिए हिडन लाइन दिख रहा है ना, ये सब तो मर्ज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, साइन है ना, एंड स्टैम्प, मोहर और साइन यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसकी साइज जो है आपका दोस्तों, इसकी थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं, ये देखिए बढ़ गया है ना। अब इसको जो है थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं, और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, पहले बोल्ड कर लेते हैं इसको, कंट्रोल बी से ये बोल्ड हो जाता है, थोड़ा मोटा दिखता है, अच्छा लगता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर बिल बन गया है ना, एंड यहाँ पे देखिए एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, राइट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जो है कोई भी कमेंट, यहाँ पे आप लिखिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिलायबिलिटीज एंड कॉम्पेटेबिलिटी, राइट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, टैग लाइन, आप यहाँ पे टैग लाइन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी टैग लाइन डाल सकते हैं, पंच लाइन डाल सकते हैं, वट एवर आपका जो भी मन है, या फिर नगद है ना, उधार नहीं, ये सब चीज़ें जो भी है जो नॉर्मल यूज होता है डेली लाइफ में, जो शॉपकीपर्स लोग यूज करते हैं, कि यहाँ पे सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर यहाँ से आ गया सीरियल नंबर, देखिए। अब इसको जो है आप क्या करें, आप इसको मिडिल में कर सकते हैं, देखिए आ गया नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज कीजिए आपको एक यहाँ पे पेन लेने हैं, पेन, ठीक है, यहाँ पे आपने पेन लिया, एंड पेन का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपने 2 लिए तो 2 आ गया, और टोटल यहाँ पे क्या हो गया, इसको अगर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको ये पूरा नहीं लेना है, मर्ज इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि हर एक में अनमर्ज कर दिया हमने, ये देखिए अनमर्ज किया तो आपने दिख रहा है इसमें लाइनिंग, और इसको जो है आप मर्ज कर दीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कॉस्टिंग 20 रुपीज़ आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे जो है, सपोज कीजिए यहाँ पे पेंसिल हमने लिया, ठीक है, या फिर पेंसिल का कॉस्ट आप रखिए 8 रुपीज़, 2 पेंसिल लिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बिल बनाइए, ये हो गया आपका 16, कितना हो गया 16। अब ये देखिए दूसरे में क्यों चले गया, क्यों चले गया, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ दूसरी लाइन पैसा में अगर होगा तो 16 इधर लिखेंगे और 0.5 पैसा इधर रखेंगे, क्योंकि आप सपोज कीजिए 8.5 कॉस्ट है ना, तो 8.5 में आप यहाँ पे 8.50 लिख दिया आपने, ठीक है। तो 8 पॉइंट, ये इसको भी देखिए, इसको हम मिडिल में करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको भी हम मिडिल में करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखिए, अगर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, तो यहाँ पे अब
कैसे कॉस्ट, यहाँ पे देखिए अगर आरती 24 25 25.5 रुपया हुआ, अगर आपके पास ये 10 12 होता या 20 होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 25 है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बराबर का दीजिए सिंबल, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, ये जैसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो ये जो है रो एड्रेस जो है ये एड्रेस बताने लगेगा। तो ये देखिए एन एन जो है कॉलम है और जो है आपका ये 8 जो है रो है ना, ये इसको हमने सेलेक्ट किया। फिर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, गुना का साइन, तो गुना का साइन डाल दिए एंड जिससे गुना करना है इससे गुना करना है, तो इसको इसको सेलेक्ट किया एंड इंटर कर दिया। ये देखिए एग्जैक्ट प्राइस निकल गया है ना। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे ये निकलता है फॉर्मूला, सब हम सीखेंगे दोस्तों। इसको मर्ज कर दीजिए तो अच्छा होगा हमारे लिए। तो इस तरह का यहाँ पे जैसे आपको बुक लेनी है, बुक 2 बुक्स लेनी है जिसका कॉस्ट जो है आपका अलग अलग है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट बन जाना चाहिए। वैसे हम 2 बुक्स का एक एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं 357 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसको मर्ज कीजिए है ना। तो यहाँ पे आपका देखिए बराबर का सिंबल लिया इसको एंड गुना का साइन किया एंड फिर इसको इंटर मार दिया, ये देखिए हो गया। अब ये देखिए टोटल बिल हमें करना है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको या क्या करेंगे यहाँ तक स्क्रॉल करेंगे है ना, टोटल के पहले तक, टोटल वाला ये कॉलम है ना, ये रो है, ये सेल है, तो यहाँ तक इसको स्क्रॉल करके डाउन लेके आएंगे पकड़ के एंड देन फिर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सम ऑटो सम है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा। ये देखिए टोटल कॉस्ट जो है ये निकल आया, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल जो है अलग अलग है, तो इसको पहले मर्ज करते हैं हम अच्छे से। अब सपोज करें हमें पहले इस सेल को, ये सब जरूरी है आपके साथ प्रैक्टिकल करना, बिकॉज अगर आपके साथ नहीं करेंगे तो बाद में जो है अगर आप ऐसा प्रॉब्लम में फंसोगे तो वहाँ आप कैसे कर पाओगे। ये देखिए पहले इसको पूरा का पूरा सेल दिया एंड देन फिर सेल देके जो है मर्ज करते गया, जब लास्ट तक मर्ज हो गया है ना, एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको एक एक सेल में आपको इस तरह का मर्ज करना पड़ेगा, राइट। या पहले मर्ज कर लीजिए है ना, ये देखिए मर्ज कर लिया हमने, ये नहीं लेगा क्योंकि इसमें दोनों हटाइएगा तो फिर लेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा 0 सिंबल है ना। ये देखिए प्रैक्टिकल हुआ तभी आपको पता चला ना, हटाना होगा तो आप ये अगर अभी आपने स्किप कर दिया होगा, नहीं देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये देखिए यहाँ तक किया एंड फिर ऑटो सम पे किया, ये देखिए टोटल बिल आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। इसको थोड़ा एक और डाउन लेके चलते हैं हम यहाँ तक, जहाँ लास्ट तक जहाँ बिल चाहिए हमें टोटल, ये देखिए 946.50 रुपया टोटल बिल बना। यहाँ पे आप साइन स्टाम्प कीजिए एंड यहाँ पे जो भी आपका कमेंट डालना है। तो ये टोटल ओवरऑल बिल बन गया, इससे भी खूबसूरत बिल बन सकता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है एक ब्लैंक बिल जो बनता है, मेमो बनता है, वो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको। यहाँ पे कोई भी कॉमेंट जो है आप एनी कॉमेंट कॉमेंट्स राइट प्लीज सब्सक्राइब राइट, ये सब चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे इसको जो है अगर आपको ये जो है आप इसको जो है और थोड़ा सा कंट्रोल बी करेंगे, ये कंट्रोल पी करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, और इसमें कलर अगर आपको पुट करना है तो कलर पुट कर दीजिए, और इसको जो है थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दीजिए और इसको थोड़ा मिडिल में ले आइए, देखिए मस्त लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है
गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन या बायोग्राफी सक्सेसफुल पर्सन का, या फिर आपको जो है जैसे अभी MS Excel का सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसी तरह के बहुत सारे सीरीज आपको मिलेंगे इन कमिंग फ्यूचर अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहा तो, राइट। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी टेली का क्लास स्टार्ट होने वाला है तो आप जो है अभी एक्सेल सीखिए, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर योर करियर, राइट। वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों को इनकरेज करें, राइट, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए सबके बारे में। थैंक यू।